इस वीडियो में हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो यहाँ हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी है वो है ग्रीन कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी है जो कि है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। दो ईयर्स का डेटा है यहाँ, 2017 का और 2018 का। अब पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम लोग कहते हैं कि एक जो स्टेटमेंट है, एक फाइनेंशियल ये जो स्टेटमेंट है इसकी टू इयर्स की, यानी इस तरह से जो एनालिसिस होता है एक ही लाइन में पैरेलल, उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। अब एक ही लाइन में या पैरेलल एनालिसिस यहाँ जो इस स्टेटमेंट का किया जाएगा वो 2017 से 2018 की फिगर्स को हम देखेंगे और हम ये चेक करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स अगर 2017 में इतनी हुई थी तो 2018 में सेल्स कितनी हुई हैं, और उसके अगेंस्ट इसी तरह हम ये सारा चेक रखते हैं कि हम लोग एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, हमें कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हम कंपैरेटिव जो एनालिसिस होते हैं उसे करते रहते हैं और यहाँ पर इसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहेंगे। और इसके बाद है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाने को कहते हैं। तो उस एनालिसिस में हम लोग जितनी भी इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट्स हमने लिखी होंगी उसका हम सेल्स से कंपैरिजन करते हैं। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2000 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है वो हम लोग देखेंगे, उसकी अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। अमाउंट के बाद हम परसेंटेज लिखेंगे, कितने परसेंट कोई हमारी जो सेल्स हैं या जो को एक्सपेंस है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ 35,000 सेल थी 2018 में, और 2017 में 35,000 हैं और 2018 में सेल्स थी 29,480। इसका मतलब है कि ये चीज़ हमें ये बता रही है कि हमारी कंपनी की सेल्स में इजाफा हुआ है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सेक्टर का, जिस सेक्टर में काम कर रही है उसका शेयर ज़्यादा ले लिया है, यानी उसमें सेल्स दूसरों के मुकाबले में पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा की हैं। तो ये कितनी ज़्यादा हुई हैं सेल, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 35,000 में से हमने 29,480 को लेस किया तो ये हमारे पास आ गया 5,520। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 5,520। अब जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जो हमारे पास सेल में इंक्रीज़ आया है इस इंक्रीज़ को, यानी 5,520 को हम डिवाइड करेंगे 29,480 पर। तो 29,480 पर अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 18.72%। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, और अगर हम जवाब दें हो, बताना हो हमें हायर अथॉरिटी को, हम बता सकते हैं कि इस बार हमारी जो सेल में इंक्रीज आया है वो है 18.72%। तो इसीलिए ये एनालिसिस किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमारा जो खर्चा है इसको भी कंपेयर करेंगे। अगर सेल्स हमारी बढ़ रही हैं तो इन सेल्स को करने के लिए जो हमने कॉस्ट इनकर की है कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है। तो हम असल में देखते ये हैं कि सेल्स में भी इजाफा अगर होता है, कॉस्ट में भी इजाफा होता है, तो जो नेट डिफरेंस है, नेट हमारे सेल्स में से कॉस्ट को लेस करने के बाद वो भी बढ़ रहा है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा है। अगर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है और ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल बढ़ने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन का जो नेट प्रॉफिट है वो कम आ रहा है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फिर इस सेल के बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ पर 27,000 में से 22,000 को लेस करेंगे तो ये जो हमारे पास कॉस्ट में इंक्रीज़ आया है वो हमें नज़र आ जाएगा, और ये भी है 5,000। तो 5,000 को अब अगर हम लोग डिवाइड करें 22,000 पर, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये है 22.72%। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 22.72%। तो इस डिफरेंस ने अगर हम लोग चेक करना चाहें, एनालिसिस करना चाहें, तो ये डिफरेंस हमें ये बता रहा है
कि हमारी सेल्स में इज़ाफ़ा तो 18.72% हुआ है, तो अगर ख़र्चा यहाँ पर बढ़ रहा है तो वो हमें चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करने की कोशिश करें। तो ख़र्चे में भी जो इजाफ़ा है वो बज़ाहिर अमाउंट की सूरत में तो 5000 कम इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन अगर हम परसेंटेज को देखें तो वो इजाफ़ा 18.72% से कम रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ हमारी सेल्स में इंक्रीज जितना आ रहा है उससे ज़्यादा उसकी कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है, ये चीज़ शो कर रहा है, ये जो हमें परसेंटेज नज़र आई है ये। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अमाउंट में डिफरेंस देखा और परसेंटेज में, हम बाकी तमाम अमाउंट्स का डिफरेंस इसी तरह लेंगे और फिर परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इस पर बात करते हैं। जिस तरह हमने सेल्स का एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहले डिफरेंस लिया, फिर हमने चेक किया कि कितने परसेंट चेंज आया है प्रीवियस ईयर से। इसी तरह हम आगे देखते हैं, हमने यहाँ पर देखा जो ग्रॉस प्रॉफिट है 7480 था, 2018 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है सेल बढ़ने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा और वो है 8000, और ये चेंज है 520 का इंक्रीज़ आया। और जो अमाउंट डिक्रीज हो रही हैं उसके साथ हमने यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाई है, और इसी तरह यहाँ पर भी जो अमाउंट डिक्रीज़ हो रही होंगी हम उनके साथ ब्रैकेट लगाएंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट में जो परसेंटेज में अगर हम देखना चाहें इंक्रीज कितना आया वो है 6.95। अब हमारी सैलरीज जो हैं वो भी बढ़ी हैं, उसमें सैलरीज में भी सैलरीज के एक्सपेंस में इंक्रीज आया है, हमें हो सकता है लोग मज़ीद हायर करने की ज़रूरत पेश आई हो क्योंकि हमें सेल्स को बढ़ाना था, फिर एडवर्टाइजमेंट भी वैसे ही करनी थी, तो इसमें जो इंक्रीज आया है वो है 400 और 16.66%। रेंट एंड डेप्रिसिएशन जो हम पहले दे रहे थे वही अब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस वही आ रहा है अब भी, और रेंट भी हमारी बिल्डिंग का वही जा रहा है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। और इन तमाम एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद हमें पता चला टोटल 120 का इंक्रीज आया है, और इस इंक्रीज की जो परसेंटेज है वो परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ हम करके भी देख लेते हैं। 120 को हम डिवाइड करते हैं पिछले ईयर के अमाउंट जो भी है उस पर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, और 4480 से डिवाइड करने के बाद 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज में डिफरेंस हमें पता चल जाएगा जो कि यहाँ पर है 2.67%। और इसके बाद हमने सेल या डिस्ट्रीब्यूशन सेल करने के लिए और जो चीज़ें बना रहे हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो खर्चे किए उसमें हमारे पास जब सेल बढ़ी हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी हमने ज़्यादा की, उसका भी खर्चा हुआ, और ये खर्चा पिछले ईयर से अगर उसका कंपैरिजन करें तो 50% ज़्यादा हुआ। और डिस्काउंट जो हमने दिया है वो 25% ज़्यादा किया है। कैरिज आउटवर्ड जो चीज़ें कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमने खर्चे किए वो भी 25% ज़्यादा हो रहे हैं। अब इन तमाम खर्चों में जो इंक्रीज़ है उस इंक्रीज़ की वजह से हमारी जो सेल चाहे बढ़ी हैं, सेल बढ़ने के बावजूद हमारे खर्चे उससे भी ज़्यादा बढ़े हैं, इसलिए हम देख सकते हैं कि अर्निंग बिफोर यानी इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने से पहले हमारी 2017 में अर्निंग थी 2840 और 2018 में हमारी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो है 2250। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो इसका ये मतलब हमेशा नहीं होता कि हमारी कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही है। उसी के लिहाज से अगर हम लोग अपने खर्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कंट्रोल में हैं और जितनी सेल्स बढ़ रही हैं खर्चे उससे कंपैरेटिवली उसके बराबर या उससे कम बढ़ रहे हैं तो हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है। तो जो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें इस साल डिक्रीज आया है और वो डिक्रीज है 590 का, और उस डिक्रीज की जो परसेंटेज है वो है 20.77% कम पिछले ईयर के लिहाज से हमें प्रॉफिट हुआ है।
और इंटरेस्ट ऑन लोन है इसके बाद हमारा पिछले साल 120 लोन पे किया, इस साल लोन कम है। अब ये लोन कम जो नज़र आ रहा है उसका रीज़न ये है कि जब हम लोग डेट लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो जब हम लोग उस पर इंटरेस्ट पे कर चुके होते हैं तो अगले साल में उस अमाउंट को, जो अमाउंट हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर चुके होते हैं, उसको डिडक्ट करने के बाद जो बाकी अमाउंट होती है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ये हम अपनी सेपरेट ये सीख चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं किस तरह से हम परसेंटेज को देखकर, यानी रेशियो में जिस तरह रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, इस तरह परसेंटेज में किस तरह से हम लोग पिछले ईयर से डिफरेंस लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और इस एनालिसिस को देखकर हम खर्चों को किस तरह से कम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें अर्निंग बिफोर टैक्स को, हमारे इंटरेस्ट में 10 रुपये की कमी आई है, तो इंटरेस्ट हमारी कॉस्ट है उसमें कमी आई है, और यहाँ 590 जो है ये हमारे अर्निंग में कमी है, 590 अर्निंग में कमी है और 10 हमारे इंटरेस्ट के एक्सपेंस में कमी है। इसका मतलब है टोटल जो अर्निंग में हमारी कमी आई है वो है 580, और इसमें से हमने जो हमारे टैक्स है, हमारे अगर इनकम कम हुई है टैक्स भी हमने कम पे किया है, तो 203 से हमने कम टैक्स पे किया है, तो हमने इसको लेस किया और ये 377 का अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करें तो एक्चुअली ये हमें लॉस हुआ है। इस साल हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले साल के मुकाबले में अच्छी नहीं रही है, और इसकी जो परसेंटेज है वो है 21.32%। और अगर हम सिर्फ एक साल ही की देखें, तो 2018 ही की देखें, तो हमारी कंपनी शो करेगी कि 1000, यहाँ पर हमने 000s भी लिखे हुए हैं, तो ये 1.391 मिलियन जो है ये प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमें पता चलता है ये प्रॉफिट जो हुआ है ये पिछले साल के मुकाबले में कम है। इसलिए कंपनी को अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए और अपने खराजात कम करने की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हमने देखा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से किया जाता है और इसका कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्टिकल एनालिसिस किस तरह से करते हैं।